Hey guys, welcome to Master of Please Give Me YouTube channel. I think आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 जनवरी को 2021 के इन फ्री फायर गेम के अंदर न्यू फेरेटवर इवेंट के तौर पे नया मेगालोडन अल्फा नाम के स्कर गन दिया जा चुका था, जो कि आप लोगों को आने वाले 31 जनवरी तक देखने के लिए मिलेगा। तो अभी सवाल यह है कि क्या आपको पता है ये फेरेटवर इवेंट पे लास्ट तक कितना डायमंड लगने वाला है, और क्या आपको यह पता है ये स्कर गन के नाम मेगालोडन अल्फा ही क्यों रखा गया है, और क्या आपने इस वाले फेडरल इवेंट पे एक स्ट्रेंज विषय फॉलो किया है? अगर किया है तो जरूर जल्दी से कमेंट करके बताइए आपने कौन सी चीज स्ट्रेंज फॉलो किया है। और अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि इस वाले फेडरल इवेंट पे कौन सी स्ट्रेंज विषय है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में बता दूंगा कि ये फेरेटवर इवेंट पे कौन सी नया स्ट्रेंज विषय है, और शायद उसी स्ट्रेंज विषय आप लोगों को अपकमिंग इन फ्री फायर गेम पे प्रभाव भी पड़ सकता है। सो वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि देखेंगे तो जानेंगे और जानेंगे तो सीखेंगे। सो लेट्स गो, यू वॉचिंग मव गेमिंग, कम ऑन, मूव ऑन। सो गाइज, यहाँ पर एज ए ब्लू फ्लेम ड्रैगो की तरह न्यू स्कर गन की स्किन हम लोगों को देखने के लिए मिल गया है, और जिसके फीचर्स है न्यू लुक पहले नंबर पे, दूसरे पे है हिट इफेक्ट, तीसरे पे है फायरिंग इफेक्ट, चौथे पे है किलिंग इफेक्ट, और पांचवे नंबर पे है एक्सक्लूसिव इमोट विच इज कॉल्ड फाइंडिंग टाइम, और छठे नंबर पे है किल अनाउंसमेंट, और सातवें नंबर पे है अपग्रेड एटीट्यूड्स, और आठवें नंबर पे है अनलॉक एबिलिटीज। तो यानी कि आप लोग ये जो फ्यूचर्स देख रहे होंगे, मतलब जो जो मैंने बताया है, वो सारे के सारे इन स्कर गन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्लेमिंग ड्रैगो एक ही की तरह ही है। सो यहाँ पर मैंने दो चीज जो कि स्लेट करके रिमूव करना होगा, सबको पता है फेडरल इवेंट की नियम की क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे भी करके एनी टू आइटम इन रिमूव इन द फेडरल इवेंट। तो यहाँ पर मैंने दो चीज रिमूव कर दिया है, तो पहला स्पिन सबको फ्री में कब देखने के लिए मिलता है, तो फ्री का स्पिन मुझे क्या मिलता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्री के स्पिन पे मुझे मिल चुका है यार बैचेस, अपग्रेड बैचेस, और सेकंड स्पिन में 9 का है, तो 9 डायमंड का सेकंड स्पिन, ओ भाई साहब, एक वेपन रॉयल वाउचर्स भी मुझे मिल चुका है, और अभी करने वाले हैं तीसरे स्पिन। तो तीसरे स्पिन पे हम लोगों को 19 डायमंड से करना पड़ रहा है, जो कि एक फ्रेगमेंट मिला है, जो कि एक मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट है, सबको पता है। और यहाँ पर पांचवे स्पिन पे, नहीं पांच या चौथा स्पिन था पता नहीं, पर यहाँ पर भी मुझे अपग्रेड टोकन मिला है। तो अभी नेक्स्ट स्पिन करने वाले 99 डायमंड से, तो यहाँ पर 99 डायमंड से, ओ भाई सब देखते हैं, ओ मुझे 99 डायमंड का एक बैकपैक मिला है, अभी 200 डायमंड का एक स्पिन, जिससे मुझे 200 डायमंड का ये पैराशूट मिल चुका है, और अभी आखिरी स्पिन 500 डायमंड। जैसे गाइस देख रहे होंगे मेरे पास डायमंड खत्म हो गए थे, तो मैं फिर से आ गया हूँ टॉप अप करके। तो यहाँ पर टॉप अप करके आने के बाद 500 का स्पिन आप लोगों के सामने, भाई एक्सक्लूसिव रियल रियल आइटम मुझे मिल चुका है इन मेगालोडन अल्फा स्कर गन। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये स्कर गन हाजिर है। तो गाइस अभी क्वेश्चन ये है कि ये गन के नाम मेगालोडन अल्फा क्यों रखा गया है, तो जानते हैं। सो गाइज, ये गन की स्किन अल्फा मेगालोडन क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गूगल मेगालोडन अल्फा नाम का एक शार्क की प्रजाति है, जो कि सबसे बड़ा शार्क प्रजाति में से है, और यहाँ पर मेगालोडन जो शार्क है उनके बड़े माउथ एंड टीथ की वजह से बहुत ही फेमस है। यानी कि आप समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर उनके बड़े मुंह और उनके बड़े दांतों की वजह से वो बहुत फेमस है, और वो शार्क प्रजाति में से सबसे बड़े शार्क प्रजाति है। तो यहाँ पर ये मेगालोडन का मतलब तो अब समझ में आ गया है, पर अल्फा का क्या मतलब हुआ? अभी ये अल्फा का मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल ये है कि अगर आप मेगालोडन शार्क प्रजाति के ऊपर रिसर्च करते हो, तो आप लोगों को उसको भाग करना पड़ता है, यानी कि हर एक विभाग करना पड़ता है जो शार्क सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे खतरनाक और जोशीला शार्क है, वो अल्फा विभाग में आता है। इसी वजह से जो कि वो शार्क
अल्फा मेगा लूडन नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अल्फा मेगा लूडन नाम का एक्सप्लेन क्या है। ये सारे डिटेल्स अकॉर्डिंग टू गूगल के ऊपर मैंने बेस करके बताया है। सो आप चाहे तो अल्फा मेगा लूडन आप गूगल पे भी सर्च करके जान पाओगे। सो अभी क्वेश्चन ये है कि ये स्कार गन पूरा लेने के लिए आप लोगों को कितना डायमंड खर्चा करना पड़ेगा। तो ये गन लेने के लिए शून्य से लेकर 500 तक डायमंड आप लोगों ने देखा स्पिन करने के लिए देखने के लिए मिला है, जो कि पहला स्पिन शून्य का, दूसरा स्पिन 9 डायमंड, तीसरा 19, चौथा भी 19 और पांचवा स्पिन 39, छठा स्पिन 69 और सातवा स्पिन 99 और आठवा स्पिन 200 से एक डायमंड कम यानी कि 199 और जो आखिरी स्पिन है वो 499 स्पिन है। तो इक्वल टू आप लोग को 952 डायमंड खर्चा करना होगा सेफ और सेफ ये स्कार गन लेने के लिए। फिलहाल आप इस स्कार गन के लिए जा सकते हो क्योंकि ये स्कार गन आने वाले जो भी स्कार गन है सबसे ज्यादा खतरनाक एट्रीब्यूट के साथ दिया जा चुका है, जिससे आप प्रो बंदा भी खिला सकते हो। सो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देके थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया हो। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो ना और आपके रिकमेंड कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और अभी जो खास चीज के बाद मैं बता रहा था आप लोगों को कि कौन सी खास चीज मैंने नोटिस किया है, वो चीज है कि ये पेटेड इवेंट पहली बार इन फ्री फायर गेम के अंदर 29 दिनों के लिए दिया जा चुका है, यानी कि एक महीने के लिए दिया जा चुका है। आज तक कोई भी फेडरल इवेंट इतने दिन तक नहीं दिया गया है। तो अब से हम लोगों को ये फ्री फायर गेम के अंदर ये प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है कि आने वाले फेडरल इवेंट शायद से एक महीने के लिए भी देखने के लिए मिलेगा। सो ये था मेरा जो खास और बात था वो ये इसी की बात मैं कर रहा था। सो आई थिंक अब इस वीडियो को खत्म किया जाए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। था सीधा सादा लड़का, जिंदगी भी खराब थी, नसीब पे था भड़का, पढ़ाई में था हार्ड पर सोच से था कच्चा, सबसे मार के भगाते क्योंकि मैं था छोटा बच्चा। मिला दोस्त मुझको एक, बड़ी नसीब से मैं था एक गरीब पर